आज इस एकांत में मैं कोरोना वायरस से बात कर रहा था, जहां से वो आया मैंने उससे पूछा तो कहां से आया। उसने कहा लोग कहते हैं कि मैं चीन के वुहान से आया, लेकिन मैं जहां से आया वहां पर मैंने बहुत सारे लोगों की चीखें सुनी थी, मैंने बहुत सारे जीवों की चीखें सुनी थी, मैंने बहुत सारे प्राणियों को तड़प तड़प के मरते देखा था। मैं उसके आसपास में सहन नहीं कर पा रहा, मैंने चिल्ला चिल्ला के क्या, मैंने कोरोना को वापस पूछा क्या, तो मैंने चिल्ला चिल्ला के बहुत लोगों को कहा कि आप ऐसा मत करो, ऐसे निर्दोष जीव को मत मारो, लेकिन वो समझ नहीं रहे थे, मेरी आवाज उनके कान तक नहीं पहुंच रही थी। और तभी मेरे मन में विचार आया, क्या कोरोना तेरे मन में क्या विचार आया। और ये सुनकर मैं बहुत ही अपसेट हो गया। कोरोना ने मुझे कहा कि मैं जब उस अबोल जीवों की, उस निर्दोष जीवों की वेदना को सहन नहीं कर पाया, तब मैंने मनुष्य को आखिरी अल्टीमेटम भी दिया कि आप ऐसा क्यों करते हो, आपके लिए बहुत सारे फल है, फूल है, सब्जियां है, बहुत सारे वेजिटेबल्स है, बहुत सारा और कुछ भी आपके लिए, आप क्यों इस निर्दोष अबोल जीवों की मृत्यु कर रहे हो। लेकिन मेरी एक नहीं सुनी। तभी मैंने ठान लिया कि अब मैं भले ही छोटा सा जीव हूं, मैं भले ही एकदम छोटा सा जीव हूं, लेकिन अब मैं इन सब से, इस अबोल जीवों को छुड़ाऊंगा। और तभी मैंने उस अबोल जीवों से मनुष्य की बॉडी में प्रवेश करने की ठान ली। और मैंने नक्की कर लिया कि जैसे वो तड़प तड़प के किसी को मारते हैं, तड़प तड़प के किसी को हैरान करते हैं, किसी की आंखों में आंसू बहाते हैं, किसी को वेदना देते हैं, किसी को पीड़ा देते हैं, मैं उन्हें रियलाइज कराऊंगा कि दूसरों को दुख देने के, दूसरों को पीड़ा होती तब क्या होता है। यदि आप किसी को वेदना देने में भय नहीं लगता तो फिर क्या। मैंने कोरोना को वापस पूछा फिर क्या, बस मैंने फैलना शुरू कर दिया, मैंने मेरी पूरी ताकत लगा दी। और चीन के वुहान से मैंने स्टार्ट की मेरी यात्रा, स्टार्ट कर दी। मैंने जब स्टार्ट की तब मेरे मन में अलग भाव था कि मैं बस यहाँ के थोड़े से लोगों को उनकी आंखें खोल दूंगा, लेकिन जैसे मैंने शुरू कर दिया मेरे साथ मेरी विश्व शक्ति जुड़ गई और अब तो मेरे भी कंट्रोल में नहीं रहा है और मैं चार और फैल रहा हूं। मैं मनुष्य को यही मैसेज देने आया हूं, यदि आप अहिंसा, दया और करुणा से जीवन जीना शुरू कर दो, किसी को वेदना नहीं दोगे, किसी को पीड़ा नहीं दोगे, तो हमारे जैसे छोटे जीव भी कभी आपको वेदना देने का सोचेंगे नहीं। वाह कोरोना, आपने तो सबकी आंखें खोल दी हैं। और सही अर्थ में कोरोना ने आज पूरे विश्व की आंखें खोल दी हैं। जहां जहां पर वेजिटेरियन थे, जहां जहां पर अहिंसा, दया और करुणा का वातावरण था, वहां से कभी भी ये कोरोना नहीं फैला है। और कोरोना ने मुझे पहले ये एक और भी बात बताई, इसके पहले भी मेरा और भी एक फ्रेंड आया था जो मुझे कह रहा था कि मैं बर्ड फ्लू के रूप में आया था, मैं प्लेग के रूप में आया था, मैं और भी कई रूप में आया था, लेकिन लेकिन ये मनुष्य जाति ने हमको कहीं ना कहीं दबाया है, कोरोना तो पूरी ताकत से लड़ना है। और इसलिए मेरे पूर्व के सभी फ्रेंड की बातों को सुनकर मैं पूरी ताकत से लगा हुआ हूँ। मैं कंप गया, मैं चिंतित हो गया, ये कोरोना क्या करेगा, ये कोरोना क्या करेगा।